अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप तमाम दोस्त? मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वापिस से होंगे। ये देखें, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है, लेकिन हम इस तरफ देखते नहीं हैं। हमारा मीडिया भी जो है बड़े अच्छे काम करता है, लेकिन जो ज़्यादा नेगेटिव बातें हैं ना मीडिया में, हमें वो देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं, मीडिया चैनल्स पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत दिखाते हैं। जैसे कि देखें, माशाल्लाह हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, दरख्त, ये जन्नत है एक तरह से। आप अगर ये गौर करें ना, दुनिया के बहुत सारे ऐसे जो ममालिक हैं जहाँ पे ये एक दरख्त है ही नहीं है, बंजर ज़मीन है इनका आप कह सकते हैं। लेकिन हमारी देखें, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से जो है पाकिस्तान को बनाया हुआ है। ये बहुत खूबसूरत जगह है सारी की सारी। अभी हम जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, इंशाल्लाह ताला वहाँ पे जाके जो पाकिस्तान की हसीन लम्हात है ना, वो आप सबके साथ मैं शेयर करूँगा और उसके हवाले से हम आपसे बात करते रहेंगे। ये देखें आप, माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंज़र है, और ये देखें हर तरफ दरख्त हैं। ये प्यारा सा रोड है और बहुत ही कंफर्टेबल जो है ना ये जगह। अब देखें माशाल्लाह बहुत ही, कह लें कि पाकिस्तान में ओवरसीज चीज़ें आना शुरू हो गया ना, टूरिस्ट आना शुरू हो गए। दुबई टूरिस्ट से बना है, मलेशिया टूरिस्ट से बना है, तो पाकिस्तान के अंदर भी टूरिस्ट को ना प्रमोट करना चाहिए कि यहाँ पे टूरिस्ट आएँ। और अभी जो व्लॉगर ने उन्होंने कुछ एनालाइज़ किया है, ट्रैवलिंग के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पाकिस्तान है। तो हम लोग पाकिस्तान से बाहर जाने का सोचते हैं, लेकिन पाकिस्तान को तो अच्छे तरीके से हम देखें। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि कितना यहाँ पे मंजर हसीन है, कितने प्यारी यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, कितना प्यारा ये रोड है, कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है, ये तो लाइक स्लाइड्स की तरह है। और जो ये रोड बना हुआ है, ये ऐसे है जैसे रेड कारपेट रोड है ब्लैक कलर में, ये ब्लैक कारपेट रोड है। ये जिसने भी ये रोड बनाया है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। देखिए कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त काम हुआ है पाकिस्तान, ये जिस भी पॉलिटिशियन ने कराया है और जिसने भी काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आप ये देखें, मैं कहता हूँ कि इंजॉय हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये रोड देख देख के इंजॉय हो रहा है, कभी रोड नीचे जाता है कभी रोड ऊपर आता है। ये देखें ये, और हमारे माशाल्लाह जो खान साहब हैं, ये भी बड़ी अच्छी एक डिसेंट ड्राइव कर रहे हैं। देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ओवरटेक किया है डिसेंट वे में, इनका एक्सपीरियंस ही बहुत है। इंसान का जब किसी भी काम में एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर मास्टर हो जाता है उस चीज़ में। देखिए आपको नज़र आ रहा है पिशावर, ब्राह्मा, जंग, बॉर्डर, पता नहीं कौन कौन सी जगह है। मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान का हर कोना कोना देखूं। कुछ कोने रह गए थे, वो कोने देखने के लिए जा रहा हूँ, और जो कुछ रह जाएंगे वो भी देखेंगे। और अल्लाह ताला ने अगर दुआ कबूल की तो पूरी दुनिया इंशाल्लाह ताला टूर करेंगे, टूरिज्म करेंगे, और आपको हर दुनिया दिखाएंगे और आपके साथ शेयरिंग करेंगे अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों की। और टक्सला वाली साइड पे भी रोड जा रहा है, ये बहुत प्यारी जगह लग रही है मुझे। मुझे लग रहा है कि ये वाला जो मेरा टूर होना है ना, ये बड़ा फ्रूटफुल रहेगा और आपके साथ ये सारी जर्नी मैं शेयर करता रहूँगा। यहाँ के माशाल्लाह लोग भी बहुत अच्छे हैं, बड़े माशाल्लाह खूबसूरत पॉजिटिव और कोऑपरेटिव कम्युनिटी है। ऐसी कम्युनिटी हो तो फिर जो इंसान के ट्रैवलिंग है ना, वो और भी ज़्यादा जो है वो हसीन हो जाती है। ये बहुत ज़बरदस्त जगह है। देखिए अब आगे बड़ा प्यारा व्यू आने वाला है, शायद मोबाइल पे आप इसको देख रहे हो। ये देखो, दिस इज़ अ ब्यूटी। ये जो हम 100 के फजूल बैठ के टाइम ज़ाया करते हैं, ये अगर हम दुनिया की रौनक देखें, इसी दुनिया को देखें, तो हमें हर चीज़ बहुत अच्छी है।
जी जनाब, ये आपने देखा कितना हसीन मंज़र चल रहा है यहाँ पे। जैसे हम प्रैक्टिकल इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग देख के इंजॉय करें। इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड से चीज़ों को फील करना। तो वैसे तो मैंने यूट्यूब पे पूरी दुनिया ट्रैवल की हुई है, हर जगह जो मैं सोचता हूँ अच्छी हो, विज़िट करनी हो, मैं उसको 4K रेजोल्यूशन के अंदर जाके देख लेता हूँ और बग़ैर पैसे लगाए दुनिया ट्रैवल करने। इसको बोलते हैं चाइना माल। तो इसी तरीके से आप ये चाइना माल तरीके से जो ये मेरी जगह है देख के इंजॉय करें। अभी तो मैं मोबाइल पे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी प्रोफेशनल नहीं हुआ यूट्यूब में। इंशाल्लाह ताला जैसे ही मैंने 1000 वीडियो का कंटेंट डाल दिया, तो आफ्टर 1000 वीडियो मेरी हर जो वीडियो है वो आपको ऐसे लगेगी जैसे जियो का दुनिया, जियो टीवी का दुनिया न्यूज़ का ड्रामा चल रहा है, प्ले चल रहा है। मैं इस तरह के मैंने अपनी कॉरपोरेट टीम तैयार कर लेनी है यूट्यूब के लिए, जो मेरी व्लॉगिंग को एडिटिंग भी करेंगे प्रोफेशनल लेवल पे और उसको जो है उसमें 4K रेजोल्यूशन के ऊपर मेरी वीडियोस होंगी जिनको अपलोड करेंगे। और मैं अपने साथ इंशाल्लाह ताला 2 से 3 लोगों की टीम लेके चला करूँगा, वो जो मेरे पार्टनर्स होंगे। तो फिर आपको भी मज़ा आएगा वीडियोस देखने का, मुझे भी बनाने का मज़ा आएगा, फिर दुनिया देखेगी यार ये लड़का तो मोबाइल पर वीडियो बनाया करता था, आज ये कर क्या रहे हैं। कहते हैं कि सोचने में पैसे नहीं लगते, चाहे ख्याली पुलाव बनाए जो बनाने में कोई पैसे नहीं लगते। आज मैं इस लोकल वैन में आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, कल को इंशाल्लाह हैबिट हेलीकॉप्टर में बैठ के बनाएंगे। तो हमारे कौन से पैसे लगते हैं बात करने में। तो इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, वो दिमाग से जो मर्ज़ी सोचता रहे, जो मर्ज़ी ख्याली पुलाव बनाए और जो मर्ज़ी ड्रीम देखे। देखें ड्रीम देखने के पैसे नहीं लगते, बोलने के भी पैसे नहीं लगते। तो आजकल लोग भाई बोलने के लिए कमाते हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ, हम भी कोई बकवास आप लोगों से कर लिया करें थोड़ी ज़्यादा, तो लोग हमारी बात सुन के, हमारी बकवास सुन के हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें और हम थोड़े से मशहूर आ जाएं दुनिया में, जहाँ हमें 8-10 लोग जानते हैं वहाँ पर 8-10 मिलियन लोग जाना शुरू कर दें। भैया मेरा ज़िंदगी का मकसद है कि अपने यूट्यूब चैनल को दुनिया का नंबर 1 चैनल बनाना, चाहे इसको बकवास करके बनाएँ, चाहे इसके मेहनत करके बनाएँ, चाहे डिसेंट तरीके से बनाएं, चाहे स्टूपिड तरीके से बनाएं, बनाना मैंने ज़रूर। बस आप लोगों की दुआ और जो है ये प्यार मोहब्बत चाहिए होगा इस जर्नी के लिए। एक साइन बोर्ड आने के बाद मैं आपको बंद कर देता हूँ। देखिए ये साइन बोर्ड है, जल्लो बुरहान कामरा हाजरो। ये दुनिया में पहली दफ़ा मैंने ये नाम सुने हैं इन शहरों के। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बाकी इंशाल्लाह पेशावर म्यूज़ियम, अभी मेरे साथ जो मेरे पार्टनर बैठे हुए थे वो देख रहे थे पेशावर म्यूज़ियम, तो मैं देखूंगा पेशावर की जो जो भी अच्छी जगह है उधर जाके आप लोगों से वीडियोस बनाएं और आप तक आप सबको शेयर करें। और जितने भी लोग पेशावर के हैं वो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और लोगों के मोबाइल पकड़ पकड़ के चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि तो अभी मेरे 60 सब्सक्राइबर हो गए हैं और मेरा टारगेट है 60 बिलियन लेके जाने का। लेकिन वो बिलियन को छोड़ के अभी मैं सोच रहा हूँ कि तकरीबन अभी 600 हो जाएँ, फिर 6000 हो जाएँ, फिर 6 लाख हो जाएँ, फिर बिलियन बाद में हो जाएँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी आप लोग ना मेरे तकरीबन ये 600 जो हैं सब्सक्राइबर करें, जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, फिर जब मेरे ये 6000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और जो बंदा मेरे 100 सब्सक्राइबर लाइक करवाएगा उनको मैं मोबाइल गिफ्ट करूँगा टेक्नो का, और उनसे मेरा वादा है जो मेरा सबसे पहले कोई बंदा मुझे 100 सब्सक्राइबर करके देगा उसको मैं अपनी तरफ से टेक्नो का मोबाइल गिफ्ट कर दूंगा। और ये टेक्नो का मोबाइल जो होगा बड़ा बरकतों वाला होगा, क्योंकि इससे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो फिर आप भी जब व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके चैनल में बरकत डाल देगा ये टेक्नो का मोबाइल। ये मेरी तरफ से प्रमोशन चल रही है, अब मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए मुझे आप सब भाइयों की ज़रूरत है। आप मेरे साथ कोऑपरेट करें, मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा और लेट्स ट्राई वाला जो पर्पस है ना, लेट्स वी ट्राई टू हेल्प ईच अदर, इस पर्पस को हम पूरा करें। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे। देखें एपटाबाद हरिपुर, ये हरिपुर का मैंने सुना है, एपटाबाद का सुना है, डैट मीन्स कि ये तो अभी तो बड़ी दुनिया देखने वाली पड़ी है मेरी। अभी तो मैंने सिर्फ कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, उसके बाद डी जी खान ये जगह देखी है। लेकिन व्लॉगिंग अभी मैं ये पहली दफ़ा ही कर रहा हूँ इस वाली साइड की, आगे मैं व्लॉगिंग इंशाल्लाह ताला प्रोफेशनली ऐसे किया करूँगा ताकि आप मेरे साथ जो है सफ़र को भी इंजॉय किया करें। कि साथ जब मैं बोर हो रहा हूँ आप लोगों से गप्पे शप्पे मारूँगा,
साथ कभी नाते पर के टाइम गुजारेंगे, कभी गाने गा लेंगे, ऐसे एक दिल लगा के आपके साथ सफ़र जारी रहेगा मेरा। क्योंकि आप मेरे YouTube में जो मेरे 60 सब्सक्राइबर हैं, दे आर माई फ्रेंड, दे आर एवरीथिंग फॉर मी, और उनको मैं अपने साथ अपनी ज़िंदगी के सारे लम्हात में साथ लेके चलूँगा, और मेरी डायरी की जो खुली किताब है इन 60 के 60 जो सब्सक्राइबर हैं इनके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आगे जितने भी सब्सक्राइबर मजीद बनेंगे उनको मैं बड़े बड़े सरप्राइज़ देता चला जाऊँगा। थैंक्स अ लॉट माय ऑल माय फ्रेंड्स, माय लीडर्स, माय ब्रदर अदर्स, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखें। माय बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू। व्हेन आई विल बी रीच देयर देन आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग, एवरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। एंड थैंक्स अ लॉट ऑल माय कम्युनिटी फ्रॉम पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।